आप MIA1 को यूज़ करते हैं और आपने फ़ोन को डबल टैप करके स्क्रीन को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आप आपने बहुत सारे फ़ोनों में देखा होगा डबल टैप करते ही स्क्रीन अनलॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें कस्टमाइज सेटिंग दिया जाता है जिससे आप डबल टैप करते ही स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर 3 फिंगर से ऊपर से टच करके नीचे खींचने से आपका स्क्रीन शॉट भी लिया जा सकता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस वीडियो में बताएंगे डबल टैप करके स्क्रीन को कैसे अनलॉक करना कर सकते हैं आप। आपको इसके लिए पावर बटन भी प्रेस नहीं करना है या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर को भी टच नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्रीन में ही डबल टैप करके आप इसे ऑन कर सकते हैं। क्योंकि MIA1 एक स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस है जिस वजह से यहाँ पे आपको ये सेटिंग दिया नहीं जाता, इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर से हम ये ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऐप का नाम है हाइट स्क्रीन, आप लोगों देख सकते हैं। इसे आपको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप आपको पॉपअप एड्स नहीं दिखाता है, छोटा एक ऐप को ओपन करने के बाद नीचे एक ऐड दिखाता है, बस इतना ही ऐड दिखाता है और ज़्यादा परमिशन भी नहीं लेता। तो सिंपली आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद डायरेक्ट ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे परमिशन नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद आपको 2 परमिशन देना पड़ेगा, सिर्फ स्टार्ट पे टच करते ही इसको आपको 2 परमिशन देना पड़ेगा। मैंने पहले से परमिशन दे रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे परमिशन दिखाया नहीं। तो आप अभी आपको क्या करना है, स्क्रीन को लॉक करने के लिए ऐसे आप डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं और ऐसे इस आपको स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप डबल टैप करके अपनी स्क्रीन को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतनी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चला मैंने वीडियो डाला भी है।